ये ना हो कि इकरा प्रेशर में आके मना कर दे ओए उस होए वक्त, होए होए। तो मुझे भी थोड़ा लगा कि हाँ यार ये तो शर्मिंदगी वाली बात हो जाएगी। तो इकरा को कहाँ मिले थे आप? इकरा को मैं सबसे पहले मिला था हम अवार्ड्स पे, जो जो लाहौर में हुए थे। अच्छा, फोटोग्राफी वहाँ हो रही होती है ना बैक स्टेज पे, हाँ हाँ तो फोटोग्राफर्स ने कहा कि आप दोनों साथ आ जाएं, तो तब मैंने उनका कोई काम नहीं तो देखा ये हुआ था ड्रामा आपने में। क्या वैसे उसी वक्त मार्क किया हुआ था, जहन नहीं बनाया नहीं हुआ नहीं था कि बिल्कुल नहीं, अवार्ड शो पे उसके मिला एक हो साल तो बाद हम दोबारा एक अवार्ड शो पे मिले। ये देखे ना, फिर वही क्योंकि बात है। मैंने टीवी के सिर्फ 3 ड्रामे किए हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा टीवी के एक्टर्स मेरे दोस्त नहीं हैं, ठीक है, तो मैं उस इस तरह मैं कई एक्ट्रेसेस और एक्टर्स को नहीं जानता। मगर आपको ये कभी कभी अजीब सा लगता है कि आप एक अवार्ड शो पे पहली दफा इकरा को मिले, फिर आप बहुत अरसे बाद एक और अवार्ड शो पे इकरा को मिले, और फिर आपने एक अवार्ड शो के ऊपर इनको प्रपोज किया, हाँ मुझे एक तो मुझे तो अवार्ड क्या शोज ये पसंद आप है। क्या मुफ्त में ऑडियंस ढूंढ रहे होते हैं? वो ऐसा था कि मुझे लगता है हर हर औरत की ख्वाहिश होती है कि उसे उसे बाकायदा प्रपोज किया जाए, क्योंकि हाँ हमने फिल्मों में और वो फेरी टेल्स में बहुत देखा हुआ है कि ठीक घुटने है, पे जाके एक बंदा आपको हाँ रिंग देता है। मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता था, लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे लगा कि नहीं यार, अगर उसकी ख्वाहिश है तो पूरी होनी चाहिए। ठीक। मैंने देखा था उर्वा फरहान ने पेरिस में जाके किया था ये। जबकि आईफल टावर उनको बैरियर टाउन में मिल जाना था, एक छोटे वाला, हाँ मिल जा, मगर खैर। तो मुझे लगा कि अगर यही ये इंपॉर्टेंट चीज़ है तो और फिर हर वक्त मुझसे लोग सवाल पूछते थे, आर यू डेटिंग इकरा, आर यू डेटिंग इकरा। तो मैंने सोचा कि अच्छा मौका है कि सबको पता चल जाए कि हाँ, क्योंकि डेटिंग वाली बात नहीं थी, मैं शुरू से ही उसे शादी करना चाहता था। अच्छा, जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग वो क्लिप जो है जिसमें आप, बहुत आपका सर्कुलेटेड क्लिप है इकरा और आपका, कि जिसमें आपने प्रपोज किया, जो मुझे उसमें सबसे क्यूट चीज़ लगती है ना, वो अदर देन द फैक्ट है जो आप कर रहे थे, वो मुझे नदीम साहब, नदीम बेग साहब साथ बैठे हुए थे, तो उनके जो एक्सप्रेशंस थे वो एपिक थे, क्योंकि वो इतने कंफ्यूज थे कि ये कर क्या रहा है लड़का, और ये असल में कर रहा है या ये ड्रामा कर रहा है, ये क्या हाँ, कर रहा है। क्योंकि किसी को भी नहीं पता था सिवाय फ्रिया अल्ताफ और फीफी हारून के। अच्छा, फुफ्फो और खाला आप साथ लेके गए थे? फुफ्फो खाला वहीं थी ना, अच्छा, तो उनको प्लान में आपने पहले शामिल किया हुआ था? उनके बगैर हो नहीं सकता था कि अच्छा, मैं ऐसी इतनी बड़ी अवार्ड सेरेमनी में जाके नहीं अपना क्यों नहीं पर्सनल कर काम सकते कैसे भैया, कर सकूं। आपकी अंगूठी आप कर दें, आप नहीं होस्ट नहीं हैं। मैंने कहा लाइट्स बंद हो जाएं और मैं शर्मिंदा हो बात जाऊं। सुने, इन्होंने इतनी इतनी चीजों पे लाइट बंद नहीं की, इस पे करनी थी? आई डोंट नो, मैंने नहीं, आप सोचा एम ही, कहीं, आप तो घबराना खैर नहीं है। मैंने, हाँ नहीं, उस वक्त ये शो नहीं ना आया हाँ ये भी है, था। मैं उस वक्त ये लाइन भी नहीं आई थी। तो वो फिर मैं गया, मैंने जाके ये जब किया, तो फ्रिया ने मुझे कहा कि यासिर ये ना हो कि इकरा प्रेशर में आके मना कर दे ओए उस होए वक्त, होए होए। तो मुझे भी थोड़ा लगा कि हाँ यार ये तो शर्मिंदगी वाली बात हो जाएगी। तो उसने मुझे दूसरा ऑप्शन दिया कि हमारे जो दोस्त वोस्त वहाँ बैठे हुए हैं उनको हम हाँ बता देंगे, वो इकरा के आसपास बैठ जाएंगे, और जैसे ही तुम आओगे तो वो इकरा को करेंगे भाई, अब फ्रिया करके भी ऐसे बता रही कि वो इकरा को कहेंगे कि हाँ 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 बोलो, हाँ बोलो। अच्छा, मैंने कहा मेरे दोस्त जब ये करेंगे ना तो वो ज़्यादा ओवर लगेगा। मगर यासिर, अगर वैसे कभी दिल में आफ्टर थॉट आया कि अगर वो इनकार कर देती उस टाइम पे, कहीं ऐवें ही घबरा के कर देती, ये मुझे लगा था एक तो दफा, फिर डर आपने किसी और मैं को मार्क जाने किया हुआ से, था, हाँ किसी और को मार्क किया हुआ था, या आपने नदीम बेग साहब को दे देनी थी अंगूठी? नहीं, कोई बैकअप प्लान था ही नहीं, कभी भी नहीं। कोई नहीं बैकअप प्लान, सेंस कि उस वक्त वक्ती इज्जत बचाने के लिए कि बहन आप वक्ती तो रख मैंने रहे सोचा हैं। था मैं कहूंगा कि वो अंगूठी भी नहीं थी इसके अंदर, आ ये तो खाली डब्बा था, कुछ कर लूंगा, यू नो। यार अच्छा इतना मैं ना सस्ता बैकअप अच्छा प्लान। आप ना नेगेटिव बातों के बारे में शायद सोचते हो, मैं बिल्कुल नहीं सोच। अच्छा तो एक दफा मुझे थॉट आई थी कि अगर, वो भी फ्रिया ने कहा कि अगर उसने इनकार कर दिया, तो उसने मेरे दिमाग में डाली, हाँ मुझे नहीं आई थी ये, तो मैं कभी भी सोचता नहीं उतना ज्यादा, तो मैंने फिर सोचा भी नहीं। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास।